Chapter number 10, Managing People in Software Environments. So, let's start. अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में फ्रेडरिक टेलर ने कहा था, he was the father of scientific management. So, what he said is कि जॉब के लिए पहले बेस्ट पीपल को सिलेक्ट करो, इंस्ट्रक्ट देम इन द बेस्ट वे एंड देन गिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ वर्क. मतलब अगर पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना है थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, फिर उन्हें ज्वाइन होने के बाद उन्हें बताना है कि उन्हें क्या करना है. तो अगर उन्हें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया गया तो डेफिनेटली दे विल डू अ गुड वर्क and give them financial incentives in the form of piece of work. So basically it has talked about group norms. Now Hawthorne effect. So in 1920 a series of experiments were conducted in Hawthorne plant of Western Electric Chicago and they found that just showing interest in a group increased the productivity. Theory X says that there is a need of coercion, direction and control of people at work. मतलब अगर लोगों को proper direction में हमने समझाया कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तो definitely the productivity increases. Theory Y, it says that work is as natural as rest or play. तो अगर theory Y में लोग हैं तो वो अपने आप काम करेंगे, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. Selecting the best people, so Welbin distinguish between eligible and suitable candidate. उन्होंने क्या कहा है कि eligible कौन है, जिसके पास proper qualification है. जैसे अगर मैं एक faculty हूँ तो बोला जाता है कि एक faculty को कम से कम post graduate होना चाहिए, फिर उनके पास net set होना चाहिए, फिर other degrees होनी चाहिए, PhD होनी चाहिए. तो ये हो गया qualification. And सेकेंड इज सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, मतलब जो पर्सन ये काम ठीक से कर सके उन्हें. तो ऐसा होता है कि कभी कभी पर्सन जो क्वालिफाइड होता है वो सुटेबल नहीं भी होता है जॉब के लिए. तो जो पर्सन सुटेबल है उसे लेना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए यही बोला गया है कि अ पर्सन हु इज एलिजिबल बट नॉट सुटेबल फॉर द जॉब, सच टाइप ऑफ पर्सन दे आर मोर डेंजरस फॉर द कंपनी. सो द बेस्ट सिचुएशन इज टू इम्प्लॉय समवन हु इज सूटेबल, मे और मे नॉट बी एलिजिबल. सो चीपर इम्प्लॉय दे स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द जॉब. नाउ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैव इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है उनके एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो अलग अलग कंपनीज में इसके ऊपर डेफिनेटली स्टडी किया गया है. 1968 की जो स्टडी थी उसमें फाइंड आउट किया गया कि डिफरेंस ऑफ 1:25 इन टाइम टेकन बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स टू कोड अ प्रोग्राम, मतलब एक कोड अगर 25 लोगों को दिया गया तो उसमें बहुत टाइम का डिफरेंस था, जैसे 1:25 का डिफरेंस था. अदर रिसर्चर फाउंड एक्सपीरियंस बेटर देन मैथ स्किल्स एज अ गाइड टू सॉफ्टवेयर स्किल्स, मतलब जहां पर रिसर्चर्स को यह पता चला कि जो एक्सपीरियंस है वो बेटर है. सम रिसर्च सजेस्टेड दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर लेस सोशल देन अदर वर्कर्स, मींस दे वांट टू स्टडी इन देयर साइलेंस इन द पीस ऑफ माइंड एंड दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज द अदर पीपल दे आर इंटरेक्टिंग विद अदर्स बट द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दे आर लेस इंटरेक्टिव. Later, survey found that there is no significant social difference between IT workers and other workers. But this means that ये जो slowly है ये trend change हो गया. Now, a selection process. So, selection process we will study in the next video. So, thank you. Thanks for watching.